अगर प्यार से तान मिलाई प्यार की सरगम पाओगे, अपने दिल के लाल किले पर हमको परचम पाओगे, पर परमाणु युद्ध की हमको धमकी दी तो रणथल में, पर परमाणु युद्ध की हमको धमकी दी तो रणथल में, तुम भारत के हर बेटे को परमाणु बम पाओगे, तुम भारत के हर बेटे को परमाणु बम पाओगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जिनेन्द्र। मैं हूं अनामिका जय नंबर और स्वागत करती हूं आप सभी का हिंदुस्तान के नंबर वन न्यूज चैनल जी न्यूज पर चल रहे आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है कभी युद्ध। एक बार जोरदार तालियां हमारे शो के लिए। कई सारे जुगनू एक साथ अंधेरे में चमक रहे हैं। दृश्य कुछ ऐसा है, जुगनू अंधेरे में चमक रहे हैं, उनकी टिमटिमाहट से कुछ रोशनी इस संसार में है। अचानक से एक सूर्य अंधेरे को चीरते हुए बाहर निकलता है, उदित होता है, और वो सारे जुगनू एक किनारे बैठ जाते हैं। उन सब की रोशनी कहीं गायब हो जाती है और दिखाई देता है केवल वो सूर्य। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो। जब से सूर्य की तरह वो चमक रहे हैं, तब से कुछ जुगनू अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहीं इमरान बार बार यहां वहां जाकर के अपने आप के लिए यहां वहां से मदद मांगते हैं और लोग उन्हें धुतकार कर भगा देते हैं। एक जगह तो लोगों ने यह कहा कि गो न्याजी गो, यानी कि उनकी आवाम, उनकी सेना उन्हें कोई भी पसंद नहीं कर रही है। वो क्रिकेटर बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कहीं वो पाकिस्तान अपने देश को चलाने में भी जब नाकामयाब रहे, तब हमारे कवियों ने कलम उठाई और अपने मोदी जी के लिए उन्होंने कविता लिखी, जो कि आपके बीच लेकर के हमारे बीच उपस्थित हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम कवि युद्ध में इन सभी कवियों का जो हमारे बीच हैं। आपकी तालियां इनका स्वागत करेंगी। हमारे बीच दिल्ली से विनोद पाल जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां हो विनोद पाल जी के लिए। गाजियाबाद से एक ऐसी कलम जब लिखती है तो साहित्य आप सबके बीच पहुंच जाता है, जिन्हें हम बहुत प्यार से, गाजियाबाद से हमारे बीच उपस्थित है, हम कहते हैं श्रीमती अंजू जैन जी। एक बार जोरदार तालियां हो। मधुबनी से हमारे बीच, आपके बीच पहले भी कई बार किसी न किसी माध्यम से आपके दिलों तक पहुंच चुके हैं ऐसे बड़े कवि श्री शंभु शिखर जी। एक बार जोरदार तालियां हो। और आप सबके बीच से उठकर के एक कलम अपने आप में स्पेशल हो जाती है, विशेष हो जाती है, जिसे हम बहुत प्यार से कहते हैं। खिलची राजगढ़ से हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं फैजान हिंदुस्तानी। एक बार जोरदार तालियां फैजान हिंदुस्तानी के लिए। इमरान आजकल बहुत परेशान है और हमारे इस कवि युद्ध का जो विषय है, मैं उस विषय को कुछ ऐसे कहूंगी और पहले कवि के रूप में आमंत्रण दूंगी विनोद पाल जी के लिए, मेरा साथ दें। प्रारंभ करती हूं, कवि युद्ध को आगाज देती हूं, सुने इमरान मोदी से। तू है वही जिसने मुझे बर्बाद किया, छीन लिया कश्मीर मेरा, अब तो पियो के भी नहीं मेरा। आवाम गाली दे ये सेना कह रहा, वो भिकारी कह रहा, जंग लड़े ही बिना हाँ मैं हार गया, हाँ मैं हार गया, जंग लड़े बिना इमरान हार गए हैं, यही लेकर के हमारे बीच आए हैं विनोद पाल जी। एक बार जोरदार तालियां हो विनोद पाल आपके बीच। दीदी हो क्या रहा है कि इमरान के संग दिक्कत क्या है, जब उसकी पूरी सेना सामने होती है तो इमरान कहता है देखिए आप, हम सबको अपना आत्मविश्वास बढ़ा के, अपने जुनून को अपने सर पे हावी करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे, पर इंडिया पे हमला नहीं करेंगे। नहीं अरे साजिद वापिस आ जा, वापिस आते ही तो मुझे भी अभिनंदन जैसी नहीं है, तुझे तो वैसे ही ठोक देंगे पीछे। आ अब्दुल तू कहां जा रहा है, तू यहीं पे रह, यहीं साइड में। हाँ तू क्या कर रहा है माजिद, माजिद क्या परमाणु छोड़ रहा है, तो मुंह तो इसका इंडिया की तरफ कर, तूने पाकिस्तान की तरफ कर रखा है। नहीं
मैं परमाणु से बढ़िया है, परमाणु छोड़ने से मैं छोड़ देता हूँ, पीएम की कुर्सी मैं ही छोड़ दूंगा। तो सब लोगों ने मिलके जो चार पंक्तियां बोली दीदी वो आपके बीच में रखना। स्वागत है। दे प्यार से जो हमको वो बोसा नहीं रहा। सारे मंत्री कह रहे हैं इमरान खान से। दे प्यार से जो हमको वो बोसा नहीं रहा, माहौल घर का अब तो खाने के भी वांदे भाई साहब इनके घर, माहौल घर का अब तो घरोसा नहीं रहा। घरोसा ना जीते वर्ल्ड कप ना ही युद्ध जीते हम, क्रिकेटरों का अब तो भरोसा नहीं रहा। क्रिकेटरों का अब भरोसा नहीं रहा। चार पंक्ति आपके बीच में रखते हैं। स्वागत है। अब इससे ज्यादा और ना हम नास करेंगे। अच्छा, इमरान खान से कह रहे हैं सारे। अब इससे ज्यादा और ना हम नास करेंगे, कर ली बहुत ना अब कोई हम आस करेंगे, चुनने से पहले अब की बार दूसरा पीएम, पहले इस्तेमाल करेंगे तभी विश्वास करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तभी विश्वास। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात कही। पहले विश्वास इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे, लेकिन हमने जिसे इस्तेमाल भी कर रखा है और जिस पर हमें पूरा विश्वास भी है, हमारे बीच एक ऐसे चहेते चर्चित चेहरे यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्हें हम बहुत प्यार से शंभू शिखर कहते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि भारत माँ के जयकारे संग विश्व विजय अभियान लगे, अश्वमेघ के अश्व सरीखे प्रखर लगे गतिमान लगे, अश्वमेघ के अश्व सरीखे प्रखर लगे गतिमान लगे, दुनिया के जिस देश में पहुंचे आंख मिलाकर बातें की, दुनिया के जिस देश में पहुंचे आंख मिलाकर बातें की, मोदी हमको चलता फिरता जिंदा हिंदुस्तान लगे, मोदी हमको चलता फिरता जिंदा हिंदुस्तान लगे। तो आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाज देती हूँ शंभू शिखर को, एक बार और जोरदार तालियां हो। शंभू शिखर अपने कलाम के साथ आपके बीच। कवि युद्ध के इस मंच से पूरे हिंदुस्तान को नमस्कार करता हूँ। जैसा मेरे विषय में बताया, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ और चार लाइनें कहता हूँ। स्वागत है। कितना हसीन देखिए मंजर है हो गया, कितना हसीन देखिए मंजर है हो गया, जनता की दुआओं में ये असर है हो गया, जनता की दुआओं में ये असर है हो गया, छप्पन की बात अब तो हो गई है पुरानी, सीने का नाप 370 है हो गया। अभी पाकिस्तान से एक बयान आया था कि उनके पास 250 ग्राम के परमाणु बम हैं। अच्छा, परमाणु पाव भर का है हमको न बताना, बहुत बढ़िया। परमाणु पाव भर का है हमको न बताना, चूहों की फौज लेके न शेरों को डराना, जिससे उखाड़ा हैंड पंप तारा सिंह ने, 2.5 किलो का हाथ है ये भूल न जाना, 2.5 किलो का हाथ है ये भूल न जाना, रो रो के दुखड़ा ट्रंप को सुनाने चले हैं, गैरों की चीज अपनी है बताने चले हैं, दाने नहीं है चार घर में खाने को मगर, इमरान पूरे विश्व में भुनाने चले हैं। सही बात है। इमरान पूरे विश्व में भुनाने चले हैं। काटो, ये बात चल रही कि वो भारत से युद्ध पहले करेंगे कि उनका तख्ता बाद में पहले पलटा जाएगा। काटोगे वही बीज जो तुम आज बोगे, किस्मत पे अपनी फूट फूट खूब रोगे, इतिहास अपने
अपना याद करके ये तो बताओ, तख्ता पलट गया तो क्या खटिया पे सोओगे? तख्ता पलट गया तो क्या खटिया पे सोओगे? तख्ता पलट गया तो क्या खटिया पे सोओगे? देते हो जो हर रोज दुहाई को संभालो, पाई है भीख में जो वो पाई को संभालो, अच्छा है भाई, पाई है भीख में जो वो पाई को संभालो, काफी है अमित शाह ही कश्मीर के लिए, इमरान अपनी पहली लुगाई को संभालो, इमरान अपनी पहली लुगाई को संभालो, गर्मी दिखाने वाले लोग कोल्ड हो गए, आतंकवादियों के हाथों सोल्ड हो गए, मोदी से और अमित से मैच खेलने निकले, अपनी ही और कर पे क्लीन बोल्ड हो गए, क्या बात है, अपनी ही और कर पे क्लीन। और हमारे रक्षा मंत्री जी अभी पिछले ही दिनों वो विमान लेकर के उड़े हैं, जिनकी कटी है नाक उनकी नाक लगा दो, मंत्री जी ठिकाने पे अब के पाक लगा दो, घूमो कहीं भी आप तो तेजस विमान में, एक आध निशाना तो ठीक ठाक लगा दो, एक आध निशाना तो ठीक ठाक लगा दो। और चार लाइनें सुनाता हूँ जो मुझे सर्वाधिक पसंद है, कि मोदी सीमा पार भेज दीजिए बिहारियों को, भैंस खुद पानी में ही जाने लग जाएगी, और कल्ला भसका के ये शकल वो बिगाड़ देंगे, पाक तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी, और शंभू ये चला गया जो ही ना रब्बानी के पास, भोजपुरी गाने वो भी गाने लग जाएगी, शंभू ये चला गया जो रब्बानी के पास, भोजपुरी गाने वो भी गाने लग जाएगी, और पिंडी व कराची छोड़ो इस्लामाबाद तक, लिट्टी और चोखे की दुकाने लग जाएंगी, लिट्टी और चोखे की दुकाने लग जाएंगी। जियो 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 जियो, बहुत शानदार, और एक बार जोरदार तालियां हो, शानदार बात करी शम्मी जी ने, क्या बात है। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाती हूँ, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा, कि सलमाओं के दिल का छाला दूर किया है मोदी ने, आप सबका मन मुझे चाहिए, चाहे आप नारी है या आप पुरुष है, आप कुछ भी हैं, यदि आपको लगता है कि ये निर्णय बिल्कुल ठीक हुआ है और देश के लिए हुआ है, तो आपका मन बहुत आवश्यक है, और मंच का भी मन चाहती हूँ, सुनिएगा, कि सलमाओं के दिल का छाला दूर किया है मोदी ने, होठों से यह जहर का प्याला दूर किया है मोदी ने, सन्नोर शकीलाएं भी झूम झूम कर नाच रही, सन्नोर शकीलाएं भी झूम झूम कर नाच रही, तीन तलाकों संग हलाला दूर किया है मोदी ने, तीन तलाकों संग हलाला दूर किया है मोदी ने। तो नारियां जिस बात के लिए उनकी आभारी हैं, ऐसे में एक और कविता लेकर के जो आपके बीच यहां पर आएंगी, उनका नाम होता है अंजू जैन जी, मैं बहुत मन से उनको आमंत्रण देती हूँ, अंजू जी आपके बीच। आजकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बहुत ही अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जैसा कि आप सब टीवी चैनल पर देख रहे हैं, कभी कहते हैं कि हम परमाणु युद्ध करेंगे, कभी कहते हैं कश्मीर मुद्दा विश्व में लेकर जाएंगे, और जहां जा रहे हैं वहां से निराश होकर लौट रहे हैं, तो बड़े खिसियाए हुए हैं, और जिस तरह से वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, हालांकि ये मेरा तेवर नहीं है, मेरी भाषा नहीं है, पर जिस तरह का इमरान खान का दोहरा व्यक्तित्व है, तब मैं गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। अब तो मान ली जब खुद हार, अब तो मान ली जब खुद हार, फिर क्यों करता है तकरार, अब तो मान ली जब खुद हार, फिर क्यों करता है तकरार, अब तो डाल दे तू हथियार, सुन ले पाक के ओ बटमार, अब तो मान ली जब खुद हार, फिर क्यों करता है तकरार, अब तो डाल दे तू हथियार, सुन ले पाक के ओ बटमार,
अपना घर शीशे का तूने फिर भी पत्थर फेंके, अपना घर शीशे का तूने फिर भी पत्थर फेंके, शेर दहाड़ा भारत का तो उधर गधे भी रेंके। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, तेरे सारे मनसबदार तुझसे भी ज्यादा लाचार, बड़ बोले हैं बेशुमार, अब तो डाल दे तू हथियार। लिए कटोरा हाथ में मांगे सबसे रोज रुपया, आप सब पाकिस्तान की स्थिति जानते हैं, तू ही बता दे पार ये कैसे होगी तेरी नैया, तू ही बता दे पार ये कैसे होगी तेरी नैया, पल पल टूट रही पतवार, पल पल टूट रही पतवार, तू है कैसा खेवनहार, पाक में भी खाए फटकार, अब तो डाल दे तू हथियार, अब तो डाल दे तू हथियार। बात भाई समझ कर कितनी बारी क्षमा का दान दिया है, पांच पांच युद्ध हमने जीते तब कहती हूँ, भाई समझ कर कितनी बारी क्षमा का दान दिया है, लेकिन तूने रिश्तों को बस लहूलुहान किया है, चाहे केचुल कई उतार, चाहे कितना भी फुफकार, चाहे केचुल कई उतार, देंगे विष हम तेरा उतार, अब तो डाल दे तू हथियार, अब तो डाल दे तू हथियार। और अपने देश की स्थिति नहीं देखता है तब कहती हूँ, स्वागत है, हिम्मत है तो गुर्बत और आतंकवाद को मार, हिम्मत है तो गुर्बत और आतंकवाद को मार, ज्ञान और विज्ञान से अपने देश की दशा सुधार, क्या बात तो है, पहले से बीमार तू तो पहले से बीमार, कर ले अपना कुछ उपचार, वरना होगा बंटा धार, अब तो डाल दे तू हथियार, डाल दे तू हथियार। और अंतिम क्षण निवेदित करती हूँ, स्वागत है, कश्मीर सिरमौर हमारा इसको कभी न देंगे, कश्मीर सिरमौर हमारा इसको कभी न देंगे, आंखें अगर तरेरेगा तो पूरा पाक हिलेंगे, क्या बात है, आंखें अगर बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह, अपना भारत है दमदार, इसको मान रहा संसार, इसको मान रहा संसार, कर ले तू भी ये स्वीकार, अब तो डाल दे तू हथियार, सुन ले पाक के ओ बटमार, सुन ले पाक के ओ बटमार, क्या बात है, पाक के ओ बटमार। बहुत खूबसूरत बात कही अंजू जैन जी ने, तो आपके अंदाज में अंदाज मिलाती हूँ, आपके अंदाज में अंदाज मिलाती हूँ, आपकी इजाजत हो तो मैं भी अपनी आवाज मिलाती हूँ, एक बार आपकी तालियां हो तो मैं अपनी आवाज आपके साथ मिलाती हूँ, और कुछ बात मैं भी कहने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा, कि जहर जुबा पर है पर दिल में जोशीले जज्बात नहीं, शब्द डरे हैं जुमलों तक में साहस की बरसात नहीं, शब्द डरे हैं जुमलों तक में साहस की बरसात नहीं, देख के दहशत आंखों में ये सारी दुनिया समझ गई, देख के दहशत आंखों में ये सारी दुनिया समझ गई, बस धमकी है युद्ध व्युद्ध इमरान के वश की बात नहीं, बस धमकी है, बहुत आभार। और जब सेना तक विरोध कर रही हो तो एक मुक्तक और मैं आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा, कि जब आसन की कील चुभेगी होश ठिकाने आएगा, बुरा वक्त भी कैसे कैसे लिए बहाने आएगा, सिंहासन पर नियत गढ़ी गर कभी तुम्हारे जनरल की, तुम्हें तुम्हारी सेना से तब कौन बचाने आएगा, तुम्हें तुम्हारी सेना से तब कौन बचाने आएगा। हमारे बीच एक ऐसा कलमकार यहाँ पर उपस्थित है जो नई कलम है, हम ब्रेक के बाद उस कलमकार को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो अभी हमें इमरान का और करना है कविताओं से काम तमाम, और तब तक के लिए हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत
सभी का एक बार फिर आपके पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है कवि युद्ध। एक बार जोरदार तालियां हूं आपके उस कार्यक्रम के लिए। जिस कवि को मैं आवाज देने जा रही हूं, वो नई कलम आपके बीच उपस्थित है। उनका नाम होता है फैजान हिंदुस्तानी। एक बार जोरदार तालियां फैजान आपके बीच। पाकिस्तान धमकी देता हमको बार बार परमाणु बम की। मैं कहना चाहता हूँ कि दर्पण को मेला बतलाती फितरत दागी चेहरों की। अरे दिनकर पर विजय पा लेना, औकात नहीं अंधेरों की। और हमको धमकाने वाले नापाक पड़ोसी से कह दो, अरे गीदड़ों से डरती नहीं है औलादे ये शेरों की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गीदड़ों से डरती नहीं है औलादे ये शेरों की। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि कह डाला इमरान ने के भारत से ना टकराएंगे, अगर भारत से टकराए तो सीधे मुंह की खाएंगे। भूला था वो कायर हिंदुस्तानी जात नहीं होती, सूरज के बादल में छिप जाने से रात नहीं होती। सूरज के बादल में छिप जाने से रात नहीं होती। अपनी जीत के झूठे झूठे ख्वाब सजाना ठीक नहीं, गीदड़ होकर के शेरों से टकराना अब ठीक नहीं। भारत से टकराने वाला जीवन भर को रोता है, और पाक पीएम भी मान गया के बाप बाप ही होता है। और पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम उसका साथ देंगे, तो मैं एक हिंदुस्तानी मुस्लिम का बेटा उसको जवाब देना चाहता हूँ तमाम देशभक्त मुस्लिमों की तरफ से। बकरीद का त्योहार अभी गुजरा है, और सुनिएगा कि भूल न तू औकात को अपनी, अब ना तुझको टोकेंगे। थोड़ी सी भी हरकत की तो घर में घुस कर ठोकेंगे। होश में आओ गद्दारो तुम, वरना जोश भुला देंगे। उठ न पाओगे कभी नींद से, ऐसी नींद सुला देंगे। हम हमीद के वंशज है, अब तुझको सबक सिखाएंगे। और काट के तेरी गर्दन फिर से बकरा ईद मनाएंगे। काट के तेरी गर्दन फिर से बकरा ईद मनाएंगे। और चार पंक्तों में पाकिस्तान का निपटारा करता हूँ, और कौमी एकता की बात भी हो जाए। मौन देख कर ये ना समझो हाथों को ना खोलेंगे। शक्ति का उपयोग किया तो पूरा विश्व हिला देंगे, और बन करके बजरंगी सारा पाकिस्तान जला देंगे। फैजान ने निसंदेह बहुत शानदार काव्य पाठ किया और आपके दिलों तक पहुंच गया। बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि उसको पसीने आ गए। तो मैं पसीने पोंछने के लिए रूमाल देती हूँ, और थोड़ा सा आप लोग हंस लें इसलिए मैं विनोद पाल देती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो विनोद पाल आपके लिए। नकाब पोशों का तो नक्श साफ कर दिया। अच्छा, नकाब पोशों का तो नक्श साफ कर दिया। झूठे फरेबियों का अक्स साफ कर दिया। 24 में लड़ेंगे चुनाव किससे मोदी जी, तुमने तो पूरा ही विपक्ष साफ कर दिया। तुमने तो पूरा ही विपक्ष साफ कर दिया। तो अब एक गीत मैंने, एक पैरोडी तैयार करी है, प्रतीक गीत आपके बीच में रख रहा हूँ। स्वागत है के मोदी जी, मैं आपका दीवाना हो गया। मोदी जी मैं आपका दीवाना हो गया, जो कहा सो किया, तिरंगे को ना झुकने दिया। मोदी जी मैं आपका दीवाना हो गया। अब सुने, सैनिकों का सर नहीं झुकने दिया आपने। बिल्कुल सही बात है, वाह। दुश्मन भी भारत के हाँ थर थर लगे कांपने। मोदी जी का जादू चला, सबके दिल पे छा गया। विदेशी भी लग गए हैं मोदी मोदी जापने, करते सब सेट हैं मोदी जी ग्रेट हैं। मोदी जी मैं आपका दीवाना हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां हो विनोद पाल के लिए।
आइए, मैं एक परमाणु बम जो हंसी का गोला हमारे बीच है, लंबी लंबी जुल्फों के साथ शंभू शिखर यहाँ उपस्थित है, तो आपकी तालियां उन्हें आमंत्रण दें। शंभू शिखर एक बार फिर आपके बीच। अनामिका जी, ये लंबी लंबी जुल्फों से जलती हैं? जलती हूँ। दुश्मन जो देश का हो उसे पल में पटक दूं, जो फालतू बोले मैं उसे एक रपट दूं। ये रहा। बालों को मेरे ऐसा वैसा मत समझना तुम, दो चार दुश्मनों को तो जुल्फों से झटक दूं। इमरान सुन ले, हिंद से भिड़ना ना आज कल, कर देंगे तेरा पिंड दान श्राद्ध पक्ष, कर देंगे तेरा पिंड दान श्राद्ध पक्ष। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काव्य पाठ किया शंभू ने। मेरा मन है कि हम, मैंने जो महसूस किया, जो देखा, मेरा मन है एक बार आप भी मेरे साथ वही महसूस करें कि गोकुल को ज्यों मिल गए कान्हा, दीनों को श्रीनाथ मिले, भारत माँ के संबल बनकर आज करोड़ों हाथ मिले, भारत माँ के संबल बनकर आज करोड़ों हाथ मिले, सिंहासन पर तुमको पाकर हमको ऐसे लगा के ज्यों, अब हाथ उठे कि सिंहासन पर तुमको पाकर हमको ऐसा लगा के ज्यों, लाल बहादुर अटल बिहारी हमको दोनों साथ मिले, लाल बहादुर अटल बिहारी हमको दोनों साथ मिले। कि ये मत सोचो क्या क्या खोया, क्या क्या पाया मोदी ने, हार जीत का समभावों में जश्न मनाया मोदी ने, हार जीत का समभावों में जश्न मनाया मोदी ने, कल तक नभ का चांद उतर कर जिन सपनों में आता था, कल तक नभ का चांद उतर कर जिन सपनों में आता था, चांद तलक उन सपनों को अब जा पहुंचा आया मोदी ने, चांद तलक उन सपनों को अब जा पहुंचाया मोदी ने। मैं आपके तालियों वाले आमंत्रण को अंजू जैन जी तक पहुंचाऊंगी, एक बार जोरदार तालियां अंजू जैन। मोदी जी के नेतृत्व में सुखद बदलाव की बयार बह रही है, देश तरक्की की राह पर बढ़ रहा है, और मैं मानती हूं कि कहीं ना कहीं विपक्षी दल भी बहुत चौकन्ने हैं, पर फिर भी 1-2% ऐसा भी है कि जो भोली जनता को बेवकूफ बनाते हैं, उनको समर्पित करती हूँ। समस्याओं को उलझाएंगे, उनका हल नहीं देंगे, ये निश्चित है हमें पथ कोई भी समतल नहीं देंगे, व्यवस्था धूप छाया की सब अपने नाम कर लेंगे, कभी सूरज नहीं देंगे कभी बादल, क्या बात है, कभी सूरज नहीं देंगे कभी बादल नहीं देंगे, कभी सूरज नहीं देंगे कभी बादल नहीं देंगे, बनाकर छूट को ही सच अपने मित्रों में रखते हैं, जिन्हें पूजा नहीं जीवित उन्हें पितरों में रखते हैं, जिन्हें पूजा नहीं जीवित उन्हें पितरों में रखते हैं, कोई भी अनुसरण करता नहीं है अब चरित्रों का, चरित्रों को सजा कर मूर्तियों चित्रों में रखते हैं। और हम सबका क्या सपना है, तब पढ़ती हूँ सुनिएगा। तमन्ना है जहाँ सारा ये हिंदुस्तान हो जाए, दुआ करती हूँ हर एक आदमी इंसान हो जाए, बहुत बढ़िया, दुआ करती हूँ हर एक आदमी इंसान हो जाए, मगर ये बात सच
सच होगी तभी जाकर कहीं अंजो कि जब बस प्रेम ही गीता प्रेम कुरान हो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत शानदार। सभी कवियों ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। देखते हैं देश में क्या क्या चल रहा है, आपको कविताओं के माध्यम से हम सब पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दिल में रखिएगा, समझ के रखिएगा और संभाल के रखिएगा, क्योंकि हम आपसे मिलते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।